सक्सेना। यूपी के पीलीभीत में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये लोग हरिद्वार से गंगा स्नान करके गोला वापस आ रहे थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दरअसल हरिद्वार से गंगा स्नान कर वापस गोला के लिए कुछ लोग पिकअप से आ रहे थे कि टाटा पिकअप पेड़ से टकरा गई। घायलों ने बताया कि सुबह 4 बजे ड्राइवर को झपकी आ गई थी। आज सुबह करीब 4 बजे आसाम हाईवे पर गजरौला कस्बे के पास यह हादसा हुआ। घटनास्थल पर ही 8 लोगों की मौत हो गई जबकि इलाज के दौरान 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई। जिलाधिकारी पुलकित खरे व पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी घटना की जानकारी मिलते ही जिला चिकित्सालय पहुँचे और घायलों का हाल जाना तथा उचित उपचार के निर्देश दिए। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। मेरा नाम कैशोर कुमार। कृष्ण कुमार, क्या हुआ, जो कैसे हादसा हुआ? ये पता नहीं, जान ही नहीं मिला कैसे हुआ। हम तो पीछे बैठे रहे, जब गाड़ी घुसी तो ये मालूम चला कि गाड़ी घुसी, इतना हो तो नहीं था। कहाँ से आ रहे तो कहाँ जा रहे थे? हरिद्वार से आ रहे थे, गोला जा रहे थे। तो ये पता नहीं चला कैसे एक्सीडेंट हुआ, किसी वाहन से टकराई या क्या हुआ? कोई जानकारी नहीं है। कहाँ से आ रहे थे? छोटा हाथी। छोटा हाथी था जी। कुछ पता नहीं लगा कि आप लोग सो रहे थे क्या? आप तो नहीं रहते, पता नहीं, आँखें तो लगी जाती हैं, लेकिन सब लोग हम लोग तो डाला पे बैठे थे। अच्छा, अब ये कैसे लड़ा कैसे नहीं लड़ा भगवान जाने, इसके बारे में जानकारी। कितने लोग थे लगभग? लगभग वही थे, 11-12 आदमी। 11-12 लोग थे, सब एक ही परिवार के थे? जी, हम लोग एक परिवार के 3 लोग थे अलग, मतलब हमारे वहाँ बड़े भैया के सराह वो साली थे, साली के लड़के तो थे, वानू थे, बाकी और मेरा सब परिवार था। गजरौला थाना क्षेत्र में आज तड़के लगभग 4-4:30 बजे के आसपास एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ जिसमें DCM से कुछ लोग हरिद्वार से गोला वापस लौट रहे थे। 17 लोग कुल थे उस गाड़ी में और उसका एक्सीडेंट होता है और 10 लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जो 7 लोग हैं उसमें से 2 को बरेली रिफ़र करा गया है और 5 जो इंजर्ड हैं उनको यहाँ जिला अस्पताल पीलीभीत में उपचार कराया जा रहा है। यहाँ पे सभी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, उनके प्रिलिमिनरी स्कैन्स करा लिए गए हैं और उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मेरे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा आज मौके पे देखा गया है। इनके परिवारजनों से जो गोला में है और गोया में है उनसे संपर्क करा जा रहा है और उनको जानकारी देके